हम तो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं घर में, क्या करेंगे। हाय एवरीवन, हैप्पी मंडे। और आज सावन का फर्स्ट सोमवार ही है तो हम जा रहे हैं मंदिर। लेट हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, हम तो जा रहे हैं और हम पूरी तरह रेडी हो गए हैं। बस ये कान में का नहीं पहने थे तो पहन ले रहे हैं। और हम पास के मंदिर नहीं जा रहे हैं जहाँ हमेशा जाते थे, आज हम जा रहे हैं काली मंदिर। और ये मेरे चूड़ी के ये कैसेट कैसा लग रहा है, बीच में दो ठो गोल्डन डाल दिए क्योंकि ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा वर्क है इसलिए हम गोल्डन डाल दिए। क्लिप बैक पिन चेंज कर दे रहे हैं, ये लूज वाला है। और हम ये क्लिप को ले आए हैं, इसको हम लगा ले रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइट है तो टाइट रहता है तो ठीक रहता है। यहाँ का बाल थोड़ा सा उठ गया, क्या करूँ। लिपस्टिक लगा ले रहे हैं, ये ब्लाउज मेरा बहुत पहले का जब हम पतले थे तो इसलिए थोड़ा सा। और ये हमको सम्मी पत्ता सुबह सुबह मिला तो इसीलिए हम सोचे कि चलो ये मिल गया है तो भगवान ये मतलब कर देते हैं पूजा, मंदिर चल जा रहा है तो इसीलिए हम ये पॉलिथीन में इसको ले ले रहे हैं। और आएंगे तो गैस चूल्हा का भी पूजा करेंगे। और बहुत सारा कपड़ा था धोने को, हम धो नहीं पाए, कल धोएंगे। देखिए ये बेडशीट है, पीलो कवर, ये सब हमको धोना था लेकिन अब हम इसको कल धोएंगे। और जा रहे हैं हम लोग मंदिर। और 11:30-12 बजे में तो मंदिर में भीड़ नहीं है तो हम लोग अब पूजा जल्दी हो गया। नारियल को छोड़ा दीजिए ना। सुबह ही लगा देते होंगे ना। हाँ, रोज करनी है, सुबह 5 बजे पहुँच जाती है। ये वाला क्या चीज है? 11 बजे से लगा। और आपकी बेटी का शादी हो गया? हाँ। कुछ करती है आपकी बेटी? हाँ। क्या ज्यादा ही गप हो गया, देर से आइए तो ये है मंदिर में, मतलब भीड़ भाड़ नहीं मिलता है। आज हम फिर वही फल दुकान में आ गए जहाँ पहले जूस पिए थे वही मिल गए। आज तो हम लोग का देर भी हुआ और बल्ले बल्ले भी हो गया। अरे ट्रैक्टर से हम लोग फंस गए थे, रोड एकदम जाम हो गया था तो वही रुक गए, तभी हम लोग थका आ गए थे घर। चलिए आ गए हम, चूल्हा का पूजा कर लेते अपना प्रसाद खा के। प्रसाद में सबसे अच्छा सुधा का पेड़ा। हे भगवान, इतना देर हो गया। अब सुबह का टाइम तो इतना जल्दी बीत गया कि पूछिए मत। मंदिर गए फिर मतलब रास्ता में भी कुछ कुछ काम हम लोग किए। और इसमें कल आधा सिलाई किए थे, देखिए धागा लगा के रखे हैं सुई, और सिलाई करना ही भूल गया तो अभी इसको कंप्लीट कर ले रहा हूँ। अभी मोबाइल चार्ज में लगा इसलिए हम यहाँ बैठ के बना रहे हैं। प्रसाद का नारियल काट कर खाना बन गया लेकिन अब नाश्ता में थोड़ा लेट हो गया तो भूख तो लगा नहीं है। और सिलाई हो गया है, हम जहाँ गए थे मंदिर में काली मंदिर में तो जहाँ से नारियल लेते हैं वहाँ वो भी पंडित जी हैं, मतलब ब्राह्मण है और नारियल बेचते हैं, वकील है ऐसे पैसे से वो, तो वो बोल रहे थे उनकी दोनों बेटी गवर्नमेंट जॉब में है, एक कस्तूरबा गांधी में इंग्लिश की टीचर है घाघरा में और एक ग्रामीण बैंक में है, उनका बेटा भी मतलब प्राइवेट में ही है। हमने देखिए कितना बढ़िया आजकल सबको, हम बोले भाई मेरे हम तो पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं घर में, क्या करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। और बापरे आज सुबह से बहुत काम किए, मतलब धूप भी हुआ था तो आज ज़्यादा कपड़ा नहीं धोए, तो मैंने पूजा करने का
बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो आज मेरा कॉल भी आ गया कि आज ट्यूशन नहीं है, तो आज हम ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं जा रहे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे, तो हम बोले कि हम आप लोग को बताएं भी नहीं कि आज मेरा ट्यूशन नहीं है, आज हम रील्स भी बनाए मंदिर से आए ना, तो लगभग 11:30-12 बजे रहा होगा अब, और हम लोग लेट हो गए थे, मतलब लेट घर का काम करते करते तो लेट हो ही जाता है, तो फिर नाश्ता किए, फिर रील्स बनाए, मतलब इतना सारा काम किए 3-4, तो हम एकदम बिल्कुल भी थक गए थे, तो अभी हम उठने मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम चल बोले चलो ट्यूशन नहीं है तो उठ जाते हैं, एक दो रील्स और बना लेते हैं, और मेरा चूल्हा लग गया तो चलिए उसका पूजा भी कर लेते हैं, आज मंडे है, मंडे अच्छा दिन है, चलिए आपको दिखाते हैं। और ये चूल्हा है, 3 चूल्हा वाला है और ग्रीन सेफ का है, और मेरा तो फर्स्ट टाइम, इसमें तो फर्स्ट टाइम बनाएंगे, तो हम पूजा का सामग्री भी ले आए हैं, ये देखिए सिंदूर है, अगरबत्ती है, अक्षत है और माचिस है, तो हम पूजा कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम ना करना और अच्छा से चलना, और आज सबसे पहले बनेगा हम लोग के यहाँ सेवई, चाय, हाँ चाय भी बन सकता है, और उसके बाद बनेगा सेवई, क्योंकि हम बहुत दिन से सोच के रखे थे, तो आज मेरे चूल्हा का पूजा भी हो गया, तब हम जा रहे चाय बनाएंगे सबसे पहले, और हाँ चाय चढ़ा देते हैं, चलिए आप लोग को दिखाएंगे, चाय के बाद फिर हम सेवई बनाएंगे और फिर वही सब्जी रोटी, पता नहीं कैसे जलेगा कैसे नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता है, मेरा पुराना वाला चूल्हा मैंने एकदम आवाज़ भी करता था और आग लग जाता था, तो हमको बहुत डर लगता था, फिर मेरी बहन की एक दोस्त थी उनका चूल्हा तो फट गया था, हम सुने थे, थोड़ा सा हमको डर भी लगता है, लाइट आ गया, इसमें ना कुछ काम है तो थोड़ी देर बाद ही हम बना पाएंगे अंधेरा होने पर, मतलब कुछ पता नहीं कुछ टाइट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी हम बना नहीं पा रहे हैं, तो हम आपको सब दिखा नहीं पा रहे, लेकिन दिखाएं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, हम जब भी बनेगा आप तो डेली आप लोग के साथ मेरा कनेक्शन है ही, तो ज़रूर दिखाएंगे, तो आज का ब्लॉग यहीं तक, बाय।